एक अध्ययन में पाया गया है कि प्रदूषित क्षेत्र में रहने और उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण बच्चों में मोटापे का खतरा बढ़ सकता है। परंतु विडंबना ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल में खुलासा किया था कि दुनिया के 90% बच्चे असुरक्षित हवा में सांस ले रहे हैं। धूम्रपान, वायु प्रदूषण और साथ ही निर्मित वातावरण की कुछ विशेषताएं बच्चों में मोटापे के कारण हो सकती हैं। बर्सोलिना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपने हाल के अध्ययन में बताया है कि दुनिया भर में मोटापा 1975 के बाद से लगभग 3 गुना हो गया है, जिसमें 5 साल से अधिक उम्र के 340 मिलियन से अधिक बच्चे दुनिया भर में औसत से अधिक वजन वाले या ज्यादा मोटे हैं। इसके साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या लगभग 38 मिलियन से अधिक है। एक और नए अध्ययन में पाया गया जो बच्चों के पैदा होने के बाद उनमें मोटापे की प्रवृत्ति से जुड़ा था। इस अध्ययन के रिपोर्ट का नाम एक्सपोजर हेलिक्स परियोजना यानी हेलिक्स प्रोजेक्ट था। उसके एक पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर आधारित एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसमें 6 यूरोपीय देशों में बच्चों के जन्म से संबंधित अध्ययन में 6 से 11 वर्ष की उम्र के 1300 से अधिक बच्चों पर डेटा का उपयोग किया गया, जिसमें फ्रांस, ग्रीस, लिथुआनिया, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम देशों के बच्चों के मोटापे की स्थिति निर्धारित करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI का उपयोग करके कमर परिधि, शरीर में वसा की वजह और त्वचा की मोटाई का अध्ययन किया गया। इस दौरान गर्भावस्था में पल रहे बच्चों और उनकी माताओं के रक्त को मूत्र के नमूनों का भी विश्लेषण किया गया। परिणामों से पता चलता है कि धूम्रपान और वायु प्रदूषण के संपर्क में आने वाले बच्चों में अधिक BMI दर्ज किया गया था। हालिया अध्ययन में पाया गया कि वाहनों में वायु प्रदूषण के जल्दी संपर्क में आने से बच्चों में मोटापे का खतरा भी बढ़ सकता है। इसमें पाया गया कि डीजल इंजनों द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड का उच्च स्तर बच्चों में वजन बढ़ाने का कारण बना। साथ ही सड़क यातायात द्वारा उत्पादित अन्य प्रदूषकों को भी बच्चों में मोटापे से जोड़ा गया है। इस अध्ययन से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु प्रदूषण कम करके बच्चों के मोटापे से संबंधित जटिलताओं के जोखिम को कम किया जा सकता है। हेलिक्स परियोजना के प्रमुख प्रोफेसर वर्जहिद ने कहा, शोधकर्ताओं ने ध्यान दिया कि पर्यावरणीय जोखिम के प्रभाव की एक बेहतर समझ लोगों के अंदर किस प्रकार पैदा की जा सकती है, जो बचपन के बढ़ते मोटापे की प्रवृत्ति में बदलाव करती है और जिसका परिणाम ये होगा कि लंबे समय में ऐसे खतरे को कम किया जा सकता है।